बंगाल की खाड़ी में उठने वाले दाना चक्रवात का असर ओडिशा की करीब आधी आबादी पर पड़ सकता है। इसे देखते हुए सरकार जल्द से जल्द तटीय इलाकों से करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की तैयारी में है। शुक्रवार सुबह चक्रवाती तूफान के ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा बंदरगाह के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के आसार हैं। साइक्लोन दाना कल मिडनाइट में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूपांतरित हुआ है। अभी फिलहाल वो केंद्रीय एंड उत्तर पश्चिम बे ऑफ बंगाल में है। उसका मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड हो रहा है। लास्ट 6 घंटा देखेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर में वो गति कर रहा है। एंड अब भी पारादीप से फिलहाल 260 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है और धामरा से 290 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट में है और सागर आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट में है। ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में गुरुवार सुबह भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। जैसे जैसे दाना चक्रवात पास आ रहा है, समुद्री हलचल भी बढ़ती जा रही है। चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी गुरुवार सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग ने दाना के निकल जाने तक बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने और दूसरी समुद्री गतिविधियों पर रोक लगा दी है। ओडिशा में चक्रवात की आशंका से हाईकोर्ट, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पारादीप और धमारा बंदरगाह सभी शिक्षा और दूसरे संस्थान बंद कर दिए गए हैं।